वेलकम टू माय आरोही पटेल रियल ब्लॉग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आप अपने घर में सेफ होंगे। तो ये करीब 11 बजे का क्लिप है और अभी देखिए, चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि आरोही क्या कर रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए लकड़ी का कोयला, यहाँ पे जहाँ पे हम लोग लकड़ी जलाते हैं ना, वहाँ पे आके आरोही अभी जला रही है लकड़ी। तो क्या बनाएगी? पुआ रोटी। तो आरोही आज पुआ रोटी बनाएगी। तो अभी आरोही को खाने का भी मन था पुआ रोटी, तो अभी हम लोग पुआ रोटी बना देते हैं और आरोही को भी नहाने के लिए भेजते हैं। जा नहा के आएगी, ठीक? कहाँ नहाई? नहीं नहाई। तो अभी ना आरोही को बोल रहे हैं नहाने के लिए, तो बोलती है हम नहा के आ गए हैं, तो बोलती है सबसे पहले हम खा लेंगे उसके बाद हम जाएंगे। तो अभी ना आरोही का खाने का मन है पुआ रोटी। तो अभी पुआ रोटी अगर हम चावल का बनाते हैं तो दूध चाहिए, तो अभी तो यहाँ पे दूध हमारे यहाँ तो है नहीं, तो मैं सोच रही हूँ कि आटा और गुड़ से मैं बना देती हूँ आरोही के लिए पुआ रोटी। जो भी घर में सामान है उसी से मैं बनाती हूँ। तो मेरे वीडियो में आप लोग बने रहिए और मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि अगर खाने का मन हो तुरंत तो घर में जो भी चीज़ है तो उससे कैसे मैं बनाती हूँ। तो चलिए मेरे वीडियो में बने रहिए और जो भी चैनल पे नए आएंगे तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ब्लॉग वीडियो आप लोग कैसा लगता है। तो चलिए मेरे वीडियो में आप लोग बने रहिए। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने चूल्हे की पुताई कर दिए हैं और अभी ना खाना बनाया था इसमें, इसलिए काला दिख रहा होगा। तो पुताई कर दिए हैं और अभी ना देखिए मेरा आग ना बुता गया है, तो फिर से जलाना पड़ेगा इसको। तो ये देखिए, ये है सरसा का जो डंठी, तो उसी को हम लोग रखते हैं जलाने के लिए। तो इसी से अभी हम जला लेते हैं। तो हमारी चूल्हा जल गई है, अब बैठा लेते हैं कढ़ाई इसमें गरम होने के लिए और अभी घोल के लाते हैं। अभी ना आरवी रो रही थी तो अभी दादाजी के साथ उधर गई है, सोचे कि उसके आने से पहले बना देते हैं। वो खाने के लिए, जैसे कि मैं बताई कि खाने के लिए वो खोज रही है पेड़किया, तो अभी तो क्या नहीं बना सकते हैं क्योंकि पापा तो लाए नहीं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। तो अभी जो है उसी से मैं बना लेती हूँ, आटा का ही बना देते हैं आरोही के लिए सिर्फ पुआ। तो अभी इसलिए कलाई बैठाए हैं, तो जाके अभी गर्म पानी में और गुड़ लेके आते हैं और आटा लेके आते। तो ये देखिए फ्रेंड, ये गर्म पानी है, गर्म पानी जो की लेके आए हैं और आटा लेके आए, जितना हमको जरूरत पड़ेगा उतना हम डालते हैं। और ये देखिए प्लास्टिक में गुड़ है, तो इसको भी मिला लेते हैं। गुड़ को हमने अच्छे से घोल लिए हैं, अब आटा मिक्स कर देते हैं इसमें। तो ये देखिए फ्रेंड, हम अच्छे से ना दोनों को मिक्स कर लिए हैं, गुड़ और आटा को। और मिक्स करने के बाद ना फिर कढ़ाई में डाल देते हैं, और जो डाटी होते हैं ना, जो हमारे गांव देहात के लैंग्वेज में इसको हम डाटी या तो फिर करछुल भी बोलते हैं, तो उसी से वहां पे डाल देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं आप लोगों को सामने से दिखा दे रही हूँ कितने अच्छे से मेरे फूले फूले पुए बन जा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में भी, पूरा फूला फूला लग रहा है। तो इसको अभी छान लेते हैं और इसी तरह से ना सभी को छानते हैं।
और ये बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं कि हम आटे का पुआ रोटी बना रहे हैं, बिल्कुल उसी के टाइप से ही बन रहे हैं। सिर्फ ये ना थोड़ा सा मुलायम लगते हैं और वो चावल वाला जो होते हैं ना वो थोड़ा कड़ा लगता है। तो ये देखिए हमें आटे का कितने स्वादिष्ट बना दिए पुआ रोटी। तो आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये भी खाने में। तो अभी तो बस इसी तरह से ना सभी को हम निकाल लेते हैं बना के। तो ये देखिए फ्रेंड, आरोही खा रही है। अब आरोही बताएगी कि कैसा मेरा बना है आटा का पुआ। बताओ बेटा कैसा बना? टेस्टी टेस्टी बना है। और ये ना तभी से रो रही थी खाने के लिए, अभी बना है तो ये अच्छे से देखिए खा रही है। और देखिए कितने अच्छे से मेरे फूले फूले बन रहे हैं पुआ। तो इस तरह से ना आप भी ट्राई कर सकते हैं घर में। अगर बच्चे हैं तो रो रहे हैं तो तुरंत ऐसे पुआ बना दीजिए। जो भी देख सकते हैं कि मेरे घर में कुछ भी नहीं था लेकिन हम फिर भी आटा का पुआ बना दिए जो कि काफ़ी अच्छे आ रहे को लग रहा है। कभी ना इसी को सबको इसी तरह से बना लेते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से पूरे फूले फूले बन जा रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, इतने सारे मेरे बन गए हैं। अब एक बचा हुआ है लास्ट, तो इसको भी दे देते हैं। दोनों पकड़ ले, दोनों पकड़, ये मुझे ना दोनों। तो ये देखिए मेरे इतने सारे बन गए हैं। और कैसा लग रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये देखिए आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और इसको अभी रख दे लेते हैं, जितना खाएगी मन करेगा खाएगी। दादाजी इनके खा लिए हैं, दादी नहीं खाई है। तो फ्रेंड आज का मेरा पुआ रोटी ब्लॉग कैसा लगा तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बता दीजिएगा। जो भी चैनल पे नए आए होंगे तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आरोही बोल रही की आगे हम बोलेंगे। नेक्स्ट वीडियो।